अक्टूबर 2023 के अंदर रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स की क्या प्राइसेस है आज हम बात करने वाले हैं। हर एक वेरिएंट, हर एक मॉडल के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हंटर्स और जाएंगे सुपर मीटियोर 650 तक। सो इन डिटेल आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल इंडिया। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर बात करें हंटर 350 के बारे में, तो कुछ इस प्रकार से आती है। हंटर 350 इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल रॉयल एनफील्ड बाइक्स टू आई इन इंडियन मार्केट। इसके अंदर तीन वेरियंट्स आते हैं, रेट्रो वेरियंट फिर आता है, यहाँ पर हम बात करें डैपर सीरीज फिर आती है, रेबल सीरीज। यहाँ पर हंटर 50 का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है जयपुर के अंदर ऑलमोस्ट 1,85,000 रुपीज। यहाँ पर ऑन रोड मैं आपको सारी प्राइसेस बता रहा हूँ। फिर हम बात करें इसके मिड वेरिएंट डैपर के बारे में, तो उसका प्राइस आता है लगभग 2,06,000 रुपीज का। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज द रेबल रेड, इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा जयपुर के अंदर लगभग 2,11,000 रुपीज आता है, मतलब 2,11,000 रुपए। लेटेस्ट बाइक है E20 पेट्रोल वाली, हंटर 50 इस बाइक का नाम है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है इंडियन मार्केट में। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बाइक के पास, जो कि है बुलेट 350। बुलेट 350 हाल ही में लॉन्च की गई है, न्यू वेरिएंट, हर एक चीज नया आ चुकी है। डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है, ओवरऑल न्यू इंजन विदाउट किक वाला, एंड प्रॉपर एक कंप्लीट चेंज है बाइक के अंदर। सो बुलेट 350 जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो स्टार्ट होती है लगभग 2,14,000 रुपीज से और जाती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2,60,000 रुपीज तक। ये मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ। सो कुछ इस प्रकार से बाइक आती है बुलेट 350 स्टैंडर्ड, एंड दिस इज हाउ दिस बाइक लुक्स लाइक। अब चलते हैं नेक्स्ट मीटियोर 350 के पास। सो मीटियोर 350 यहाँ पर खड़ी है हमारे पास, ये है फायर बॉल, ये बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलता है मीटियोर 350 का। इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है मीटियोर 350 का जयपुर में 2,46,000 रुपीज फॉर बेस वेरिएंट। फिर मिड वेरिएंट आता है स्टेलर, इसका प्राइस आता है लगभग 2,53,000 रुपीज। और अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के बारे में बात करें विद सुपरनोवा, तो उसका ऑन रोड प्राइस आता है 2,70,000 रुपीज, 2,70,000 रुपए। ये है हंटर 50 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ट्रेबल ब्लैक, 2,11,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर जयपुर की मैं बात करूँ। अब चलते हैं यहाँ पर सुपर मीटियो 650 के पास। सुपर मीटियो 650 के यहाँ पर सेलेस्टियल व्यू खड़ा है, ये बहुत ही क्रेजी बाइक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी डिफरेंट है। यहाँ पर एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है। सुपर मीटियो 650 इस बाइक का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्रांडिंग आती है। इसका जो लोगो है वो भी काफी अच्छा एम्ब्रॉज्ड आपको देखने को मिलता है। सुपर मीटियो 650 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो स्टार्ट होती है लगभग 4,40,000 रुपीज से और इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाता है लगभग 4,76,000 रुपीज तक। अब चलते हैं क्लासिक 350 के पास। क्लासिक 350 में काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं यहाँ पर क्लासिक 350 का, ये आपको देखने को मिलेगा वेरिएंट, दिस इज द सैंड, ये है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है सिग्नल सीरीज का। एंड इसका दूसरा कलर है मार्च ग्रे, वो कुछ इस प्रकार से आता है, दिस इज द मार्च ग्रे। एंड दोनों का जो प्राइस है कलर्स का सेम आता है, यहाँ पर जयपुर की मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस लगभग 2,56,800 रुपीज आता है, 2,56,800 रुपए आता है। वहीं यहाँ पर क्लासिक 350 के बारे में बात करूँ, तो क्लासिक 350 स्टार्ट होती है लगभग 2,33,000 रुपए से और जाती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट क्रोम सीरीज 2,70,000 रुपए तक। यहाँ पर आपको जो दिखा रहा हूँ ये है सिग्नल सीरीज कुछ इस प्रकार से। इसका मैं दूसरे कलर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हेल्सियन सीरीज खड़ी है, हेल्सियन सीरीज कुछ इस प्रकार से आती है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये हेल्सियन ग्रीन। एंड यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस आता है हेल्सियन ग्रीन का, ये डुअल चैनल एबीएस वाला वेरिएंट है, ऑलमोस्ट जयपुर के अंदर आपको पड़ती है यहाँ पर 2,43,000 रुपीज की। यहाँ पर आपको जो है सुपर मीटियर 650 का एक और कलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज्यादा बिकता है, ये काफी ज्यादा हिट कलर है इंडियन मार्केट में एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कलर है। एंड यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होती है सुपर मीटियोर 650 की लगभग 4,40,000 रुपीज से और जाती है 4,76,000 रुपीज तक। अब नेक्स्ट चलते हैं हिमालयन के पास। हिमालयन यहाँ पर खड़ी है, दिस इज द हिमालयन 411 एंड हिमालयन 450 भी जल्दी ही आने वाली है, देखते कब आती है वो। सो कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, 411 सीसी का इंजन आता है। हिमालयन का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर जयपुर के अंदर लगभग 2,68,000 रुपीज से और जाता है 2,82,000 रुपीज तक। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरसेप्टर और GD 650 की, सो इंटरसेप्टर 650 जो है वो प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 3,80,000 रुपीज से और GD 650 का प्राइस स्टार्ट हो रहा है लगभग 3,99,000 रुपीज से। सो कुछ इस प्रकार की बाइक्स आती है यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की। हिमालयन डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा अच्छी बाइक है टूरिंग और ट्रैवलिंग के लिए। वहीं अगर हम बात करें वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में, तो हंटर 50 इज अ लॉट वैल्यू फॉर मनी बाइक। एंड अगर आप यहाँ पर
बुलेट लेना चाहते हैं नई, तो बुलेट न्यू आ चुकी है विदाउट किक इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली। सो कुछ इस प्रकार से जो है ओवरऑल आपको बाइक देखने को मिलती है। आपकी यहाँ पर फेवरेट रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक है कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लिए, साथ में पहले के अंदर बोलेगा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या रहा है थ्रॉटल मिलते हैं।